उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स पर बढ़ाया गया इनाम। अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटर्स पर 2.5 लाख से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए की इनाम की रकम। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद खौफ पे अतीक और उसका परिवार। माफिया के भाई अशरफ ने दाखिल की प्रयागराज कोर्ट में अर्जी। आवेदक को बरेली से प्रयागराज न ले जाने की मांग। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले अखिलेश यादव करेंगे बड़ा मंथन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के शत्रु संपत्ति मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। आजम खान समेत 15 लोग मामले में आरोपी। नसीर अहमद समेत 5 के खिलाफ वारंट हुआ था जारी। मुजफ्फरनगर के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी। बदमाशों से गाड़ी, ट्रैक्टर, 2 तमंचे बरामद। पकड़े गए बदमाशों पर लूट और चोरी के 24 मुकदमे दर्ज। बुढ़ाना और शाहपुर इलाके में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान ने जेल में रहकर की ग्राम सभा की बैठक। विकास का एजेंडा भी बहुमत से पास कराकर दस्तखत भी करा दिए। शिकायत मिलने पर डीएम ने मामले की जांच सीडीओ और डीपीआरओ को सौंपी। बिजनौर में चार्जिंग में लगी ई रिक्शा में आग। आग में झुलसे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। थाना नजीबाबाद के हर्षवाड़ा इलाके का मामला। गोरखपुर में 2 बदमाशों के घर कुर्की का नोटिस हुआ चस्पा। नोटिस चस्पा कर पुलिस ने मुनादी कराई। दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या का दर्ज है मुकदमा। कानपुर में दबंगों ने युवक पर किया चापर से हमला। युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। घायल युवक के साथियों पर हमले का आरोप। बिथुनू थाना इलाके के सतबरी ग्राउंड की घटना। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। भीषण आग लगने से जलकर खाक हुई एम्बुलेंस। सदर कोतवाली इलाके के जिला महिला अस्पताल का पूरा मामला। बस्ती में जिला पंचायत सदस्य की गुंडई सामने आई। भोज कार्यक्रम में प्लेट देने से मना करने पर शख्स की पिटाई। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद में बच्चा चोर गिरोह के सदस्य को लोगों ने पकड़ा। बच्चे को लेकर भाग रहा था बच्चा चोर गिरोह का सदस्य। थाना नंदग्राम क्षेत्र की चार्म कैसल सोसाइटी का मामला। अंबेडकर नगर में आपसी विवाद में पिटाई से हुई युवक की मौत का मामला। गांव में शव पहुंचते ही आक्रोश में आए ग्रामीण। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार ने दूसरे लेन में 2 ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सोनभद्र में दबंगों की पिटाई से युवक की मौत। युवक की इलाज के दौरान मौत। युवक की मौत के बाद व्यापारियों में रोष। व्यापारियों ने दुकान बंद करके सड़क जाम कर दी। काशीपुर में एक मकान में पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। काशीपुर के मोहल्ला टांडा उज्जैन का मामला। गाजीपुर की बेटी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ाई की। 16 वर्षीय गुंजन कुमारी किलिमंजारो की चोटी पर 2.5 घंटे मौजूद रही। रुड़की में कार और ट्रैक्टर की टक्कर होने के बाद कार में आग लग गई। कार में सवार था दिल्ली का एक परिवार। सिविल लाइन कोतवाली इलाके का मामला। नोएडा सेक्टर 104 में एक कार में आग लग गई। कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह से जलकर खाक। महोबा में बैठने को लेकर पुलिस अधिकारियों से बीजेपी नेताओं की झड़प। पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करके की गई बदसलूकी। उन्नाव में शादी समारोह में युवक ने अवैध तमंचे से की कई राउंड फायरिंग। फायरिंग से डीजे पर नाच रहे लोग सहमे। फायरिंग का वीडियो वायरल। सहारनपुर में मंत्री जसवंत सैनी करते हैं खेतों में काम। मंत्री का खेतों में काम करते हुए वीडियो वायरल। जसपुर में 260 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक। युवक को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। हमीरपुर में समुदाय विशेष का लड़का बहला फुसला कर युवती से कर रहा था कोर्ट मैरिज। लड़की के परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा मचा दिया। पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर हंगामा शांत कराया। सीतापुर में भांजी के साथ अवैध संबंध बनाने वाले मामा की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर शव को पेड़ से टांगा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अमरोहा में किसानों की फसल नष्ट करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दबंगों ने रात में फसल को नष्ट किया था। कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कही पलायन की बात। हरदोई में दामाद ने ससुर के सिर पर पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट। होली पर पत्नी को विदा कराने के लिए आया था ससुराल। बेटा गोकुल थाना इलाके के काजीबाड़ी गांव की घटना। मेरठ में आईपीएस अफसर अनिरुद्ध सिंह के वायरल वीडियो को लेकर जांच के आदेश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिया आदेश। 3 दिन में जांच की रिपोर्ट मांगी। मेरठ में महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 लाख नकद बरामद। भारी मात्रा में गांजा बरामद। उन्नाव में हत्या करने वाला दबंग गुर्गों के साथ गिरफ्तार। बिहार थाना इलाके के लोनियन खेड़ा गांव का मामला। सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई। गोली लगने से एक युवक घायल। आगरा में भाजपा विधायक ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। रिश्वत लेकर टेंडर देने से लेकर विकास कार्यों में कमीशनखोरी के आरोप। बुलंदशहर में शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। आरोपी पति ने थाने में सरेंडर किया। नोएडा पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की 25 लाख की नशीली गोलियां। कानपुर के घाटमपुर में मजदूर की हत्या। कारखाने के अंदर मिला युवक का शव। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बुलंदशहर में छात्र की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। प्रशासन से लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में 2 किशोरियों का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। दोनों पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। अवैध दवाइयों की 3 दुकानों को सील कर दिया। 1 फर्जी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह ओम प्रकाश पाल ने बताया जान का खतरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सुरक्षा मांगी। बस्ती में जिला पंचायत सदस्य ने दुकानदार के साथ मारपीट की। एक निमंत्रण में खाना बनाने के दौरान विवाद। वीडियो वायरल। हरिया के मशूघाट चौराहे का मामला। आगरा के शाहगंज में 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सुबह शौच के लिए गई मासूम के साथ रेलवे लाइन पर बैठे 35 वर्षीय शख्स ने दुष्कर्म किया। पुलिस जांच में जुटी। फरुखाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बहनों की मौत। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। थाना अमृतपुर के गांव खुशहाली नगला का मामला। बागपत में 2 घट कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से 1 मकान में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की। 16 मार्च से उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। हल्द्वानी में एलएलबी छात्र से लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार जिले में भी अलर्ट। डीएम ने बैठक कर अस्पतालों को अलर्ट पर रखने और सतर्कता के आदेश दिए। बराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण को मंजूरी मिली। खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों ने शहर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। रुड़की में एसिड अटैक का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने युवती से पहले भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तरकाशी में ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान। डुंडा प्रखंड के गजड़ा गांव का मामला। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के साथ एनटीपीसी की परियोजना बंद करने की मांग की। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने नशे के सौदागर से बरामद की 5 किलो से ज्यादा चरस। करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही चरस की कीमत। हरदोई में रेप के बाद मासूम की हत्या के मामले में सड़क पर जाम। मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बहुत देर तक हाईवे जाम किया।
आरोपी के परिजनों पर धमकाने का आरोप। उत्तरकाशी में रामचंद्र उनियाल राजकीय महाविद्यालय के बीएड के छात्रों का धरना, बिना मान्यता के चल रहा था विद्यालय। खटीमा में विधायक भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के लगे पोस्टर, नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक की पत्नी और मां के साथ कोतवाली का घेराव किया, गलत पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारी के बाद। देहरादून में अवैध खनन में मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। नैनीताल में ग्रीष्मकालीन सीजन को देखते हुए नैनी झील से जुड़े नौका चालक तैयारियों में जुटे, नावों को पेंट और पॉलिश कर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर यूकेडी का प्रदर्शन, यूकेडी नेताओं ने सचिवालय कूच किया, सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया। पौड़ी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने आपात बैठक की, बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया। बागेश्वर के भंडारी गांव के महिलाओं ने खुद ही शुरू किया सड़क का निर्माण, 20 साल से ग्रामीण कर रहे हैं सड़क की मांग, मांग पूरी नहीं होने से नाराज ग्रामीण। हल्द्वानी में पानी की किल्लत को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीण बोले सिर्फ 4 इंच की पाइपलाइन डालकर की जा रही खानापूर्ति, ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। जोशीमठ में सड़क से मलबा हटाने के दौरान बीआरओ का लोडर गिरा, हादसे में लोडर का चालक घायल, चार धाम यात्रा तैयारियों को लेकर हाईवे पर चल रहा है सड़क चौड़ीकरण का काम। यूपी में आलू के समर्थन मूल्य में 650 रुपए करने के फैसले पर आरएलडी ने जताया विरोध, प्रवक्ता अनिल दुबे ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। उन्नाव पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन महाराज का बड़ा बयान, बेटियों के विवाह को लेकर नया कानून बनाने की अपील, केंद्र और राज्य सरकार से अपील। बिजनौर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा सपा गठबंधन ही भाजपा को हरा सकता है। आगरा में एक दिवसीय कार्यशाला में अधिकारियों ने किसानों के संग बैठक की, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर बैठक। आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहा दिशाहीन। ग्रेटर नोएडा में खाली पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया, घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखी लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार, दादरी इलाके के नई आबादी मोहल्ले की वारदात। बाराबंकी में स्वाट और सर्विलांस टीम ने वांटेड चल रहे 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, चोरों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद, घटना में इस्तेमाल 2 बाइक्स भी बरामद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।